नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 2024 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सुनसान जगहों पर रहगीरों से चोरी, लूट व डकैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों द्वारा विगत 10 जुलाई रात में लोहिया पुल अलीगंज के पास दो युवकों से डरा धमका कर छीना गया था मोबाइल फोन। इसके पूर्व में भी चोरी व मारपीट की घटनाओं में अभियुक्त जा चुके हैं जेल। तब पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ये लोग सुनसान जगहों पर रहगीरों को डरा धमका व मारपीट कर उनका मोबाइल छीन लेते हैं तथा छीने हुए मोबाइल फोन को बेचकर मिला हुआ पैसा नशेबाजी और खर्च कर लेते हैं। फिलहाल अभियुक्तों के कब्जे से 10 जुलाई रात्रि में दो युवकों से छीने गए दो एंड्रॉइड मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। ये 10 तारीख को दो बच्चों से पढ़ने वाले बच्चों का एंड्रॉइड फोन छीना गया था लोहिया पुल के पास से कोतवाली नगर में। पुलिस विगत काफ़ी दिनों से जो 10 वर्ष के अपराधी लूट, हत्या, नकबजनी, चोरी, डकैती, इन सब के अपराधियों का सत्यापन अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के निर्देशन में चल रहा था, उसी के क्रम में इस घटना के बाद ये डेवलप हुआ है, जिसमें आज 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 2 अदद लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। इसमें से एक अभियुक्त अभी 6 तारीख को छूटा था, जिसमें लगभग 7 मुकदमे थे और बाकी इसमें जो 6 में से 3 की क्रिमिनल हिस्ट्री है। और ये लोग मोबाइल छीनना, पैसे छीनना सुनसान इलाकों से, ये इनकी मॉडस अपरेंडाई थी। और थाना कोतवाली पुलिस ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे जो पूछताछ में हमें सूचनाएँ मिली है, इसमें आगे और भी मोबाइल और घटनाओं के अनावरण में मदद मिलेगी। सर, ये लोग रहने वाले कहाँ के थे, क्या? ये सारे लोग कोतवाली नगर क्षेत्र के ही रहने वाले थे, निमनी पार, खाई पार, मर्दन नाका आदि इलाकों के थे। सर, ये दिन में लूट करते थे या रात? ये सुनसान जगहों पे दिन रात का इन पे कोई फर्क नहीं था, दिन में भी ये छीन लेते थे, देखते थे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए 2024 न्यूज़ के साथ।